हैक बताता हूँ, रेडबस नए अकाउंट से लॉगिन करोगे 100 रुपए ऑफ मिलेगा, 100 रुपए ऑफ मिलेगा। जो मैं बना रहा हूँ ये डालने वाला नहीं है भाई। आज है संपूर्ण तरीके से पूरे कसौल हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉकडाउन। ऐसे में डाल दो ना कि तेरा वो माइक खराब हो गया था, माइक की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं आई, तो अब क्लिप्स एंजॉय कर लो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हर्ष सानी। तो भाई आज है हमारा डे वन इन कसौल, और आज का दिन मतलब ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम आज बेसिकली अक्लिमेटाइज करेंगे, और जो ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कम है उसका मैच करेंगे, और सर्दी को थोड़ा सहने की कोशिश करेंगे, और कल से हमारा एडवेंचर ट्रेकिंग स्टार्ट होगा। चलते हैं आगे, हम जा रहे हैं अभी मार्केट की तरफ में खाने की तलाश में, क्योंकि खाली पेट बैठ के बहुत तेज़ भूख लगती है। तो मैंने बोला भाई चलो बाहर चल के खाते हैं, और स्टोव भी हम लेके आए हैं, लेकिन एक दिक्कत ये है कि स्टोव के साथ एक ही कैन लाए हैं, जिसकी वजह से हमें जो है गैस कम पड़ सकती है। मैं साइड हो जाता हूँ वरना बस वाला उड़ा देगा। और माइक इसका नहीं है तो ऑडियो थोड़ा कम आएगा, तो भाई प्लीज़ उसके लिए ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बाकी सब बढ़िया है। और दिल्ली में इतनी ठंड है, मेरी मम्मा से बात हुई थी, उन्होंने बोला आज वैसे इतनी ठंड हो चुकी है, पर उस कसौल में तो भाई ऑब्वियसली एल्टीट्यूड जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ठंड भी बढ़ेगी। और मेन मार्केट आ रही है, तो मैं मास्क पहन लेता हूँ वरना चलान कट जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर। तो भाई घूमते घामते हम आ गए हैं हिमालय ढाबा के ऊपर में भूख की तलाश में, और यहाँ आके हमें पता लगा कि आज कसौल इतना बंद क्यों है, पूरी मार्केट इतनी क्लोज क्यों है, पता चला। तो भाई क्या है आज, लॉकडाउन। तो भाई आज है संपूर्ण तरीके से पूरे कसौल हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉकडाउन, स्पेशली संडे को। एंड हमने पता करा लोकल लाइट से, तो वो कह रहे हैं शायद मणिकरण गुरुद्वारा खुला है, तो मैं भी वॉक करते करते वहाँ भी जा सकते हैं, मत्था टेक के वहाँ पे लंगर खा के आएंगे, और आपको भी साथ में दर्शन कराएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर करा है एक प्लेट चिकन मंचूरियन और एक प्लेट चिकन वेज फ्राइड राइस। टेस्ट देखते हैं कैसा है, ठीक है। संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, ठेके खुले हैं। तो भाई इतना प्यारा व्यू है ना, और अभी इतनी ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है यार। एक बार देखो पानी का फ्लो, देखो एक बार आप। आज मुझे पता लगा कि मणिकरण गुरुद्वारा है वो भी बंद है, तो हम वहाँ पे भी नहीं जा पाएंगे, तो हमारे इन टोटल आज का दिन बिल्कुल कमरे में रहेगा, तो कुछ नहीं कर सकते। और एक बार मेरे पीछे के माउंटेन्स देखो, अगर आपको दिख रहे हो तो काफ़ी अच्छे लग रहे ना, इसी के तो पैसे हैं। तो यहाँ पे फोटो सेशन चलता हुआ लड़की का भी, हमने पैनकेक्स ऑर्डर करे, आते तो दिखाता हूँ। इतनी ट्रिपी प्लेस है यार। इतना साफ पानी भाई मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, और भाई इसको कहते हैं पार्वती वैली की पार्वती नदी, पार्वती रिवर। एंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव है, और सेकेंडली जो पानी है ना भाई वो इतना साफ है ना, मैं आपको लोगों को क्या बताऊँ, मतलब लिटरली दिख रहा है पानी के अंदर क्या है, और ब्लू कलर का कहते हैं ना पानी, ब्लू कलर का होता है, और लिटरली ब्लू कलर का मैं दिख रहा है यार, मज़ा आ गया भाई। स्माइल कर ये। तो भाई ये होते हैं, इनको क्या कौन से कुत्ते कहा जाता है, पहाड़ी कुत्ते, पहाड़ी नहीं भूतिया क्या, अरे नहीं इनकी ब्रीड होती है, इनको कहा जाता है भूतिया। अगर आप लोगों को पता तो कमेंट करके जरूर बताना, और कितने फरी होते हैं यार ये देखो, ये ब्रो व्हाट्सअप इतने फ्रेंडली होते। हेलो हेलो हेलो, अभी नहीं कर रहा, अभी कर रहा था भाई, सच्ची में कर रहा था यार, अभी नहीं कर रहा है। हेलो तो भाई अपना टाइम लैप्स ऑन है, और फोटो सेशन भी ऑन है, और काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोज़ मिलेंगी। तो अगर फोटोज देखनी है ना भाई, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यहाँ के भी उसने मार है, और वहाँ जाके फॉलो करो, और जो सारी लाइव अपडेट्स हैं उनको भी फॉलो कर लिया करो भाई, क्या करते हो मतलब फॉलो वॉलो करो यार, है बूम। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं होटल के अंदर में, और ठंड इतनी ज़्यादा जब हम आए थे तब लग रही थी, लेकिन अब नहीं लग रही है। और कुछ बातें जो मुझे लगी कि भाई ज़रूरी है करनी आप लोगों से, जो मैंने शायद लास्ट व्लॉग में नहीं करी है, वो ये है कि पहले जब मैं लास्ट टाइम मनाली आया था, 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले, तब जो है मैं तभी वॉल्वो से आया था, एंड देन तब बद्दी के अंदर जो हमारी बस चेंज होकर टेम्पो ट्रैवलर के अंदर हमें बिठाया था, और फिर वहाँ से हमारी जर्नी कंटिन्यू हुई थी। लेकिन इस बार जो बस आई है वो दिल्ली से कसौल डायरेक्ट आई है, कहीं पे भी नहीं उतारा हमें। तो अब मेनली जो बस चल रही है शायद वो डायरेक्ट हो चुकी हैं मनाली तक में,
और जो हमारी बस का नंबर था वो भी यूपी था। अगर एचपी होता तो वहाँ पे फिर हमें सोचना पड़ता कि एचपी है तो शायद जाने दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, यूपी नंबर था। तो इट मींस आपकी बसेस जो डायरेक्ट आ रही है। तो अगर कोई भी प्लान कर रहा है कि भाई हमें मनाली आना है, कसौल आना है या फिर कहीं इस साइड पे आना है, तो भाई आप आ सकते हो। बस एक बार जब आप बस बुक करोगे तो अपने जो ट्रैवलर है उनको फ़ोन कर लेना बुक करने से पहले, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है, कैसी बस सर्विसेज चल रही हैं। एंड जो हमने बस करी है वो करी है 1250 रुपये के अंदर में, और हमने बुक करी है रेड बस से। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने पेटीएम से करी थी, और अब की बार मैंने रेड बस से करी तो मुझे सस्ती मिली और प्लस डिस्काउंट भी मिल गया अगर न्यू यूज़र हो तो। तो भाई इतनी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोची शेयर कर दे, तो भाई शेयर कर दी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है अभी के मेरे जो GoPro है उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है ऑटोमेटिकली, तो मैंने उसको अभी चार्जिंग में लगाया, तो भाई अब लाइट चली गई है। लेट्स सी क्या होता है, कल का दिन भी काफ़ी हैपनिंग होने वाला है। तो भाई ये तो था हमारा डे टू का व्लॉग, जिसके अंदर आपने लास्ट व्लॉग में देखा हमारी दिल्ली से कसौल तक की जर्नी, और आज का जो पूरा दिन है एक्सप्लोरिंग कसौल था। मतलब ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने लायक है नहीं, पार्वती वैली है, पार्वती रिवर है, एंड कुछ कैफेज है, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, फैंसी खाना मिलता है। एंड बेसिकली यहाँ पे जो कल्चर है ना वो ये है कि जो इसको मिनी इसराइल कहा जाता है, मिनी इसराइल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसराइली जो है वो ज़्यादातर आते हैं और रहते हैं और मस्त पार्टी वार्टी मजे वजे करते हैं, और यहाँ पे रेव पार्टीज वगैरह होती रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको ऐसा कहा जाता है। तो जो लोग इनको भाई तो जो लोग भाई अगर कसौल आना चाहते हैं तो कसौल की एक इमेज गंदी बनी हुई है कि भाई नशे होते हैं और ये सब होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है भाई। हर कोई यहाँ नशे करने नहीं आता है, कुछ लोग एक्सप्लोर करने भी आते हैं लाइक अस। गाइस हैक बताता हूँ, रेड बस नए अकाउंट से लॉग इन करोगे 100 रुपये ऑफ मिलेगा, 100 रुपये ऑफ मिलेगा, बहुत बढ़िया। और जब आप राइड जब आप एडवेंचर करने जाते हो ना, तब ये 100-100 रुपये भाई बड़े मायने रखते हैं, तो भाई सेव करा करो। और हमारा तो वैसे भी जो बजट है 5000 के अंदर, जो मैंने चैलेंज लिए उसके अंदर से मैंने 1250 रुपीज बस में खर्च किए, 1250 रुपये। और जो हमारा यहाँ पे होटल हुआ है वो 1500 रुपये में हुआ, चार लोगों का, तो पर पर्सन हो गया 370 रुपीज। तो टोटल अभी अराउंड 1600-1700 रुपीज़ हमारे यहाँ पे ट्रैवल प्लस होटल एक्सपेंस वन डे का हो चुका है। और फूड आप 200 रुपीज़ मान लो भाई, ज़्यादा तो कुछ है नहीं क्योंकि हम स्टोव लेके आए हैं, उसी के अंदर हम कुक करेंगे, प्लस मामा ने घर पे खाना बनाया था तो हम वही खाना खाते हुए आ रहे हैं। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अभी के अभी वीडियो को हटाओ और लाइक करो और कमेंट करो एक अच्छा सा कि हमारी जो सीरीज़ है वो कैसी लग रही है। अभी तो शुरू हुई है, अभी तो एडवेंचर, वीडियो हटाना मत, नीचे स्क्रॉल कर लेना, अपने आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, पता चले वीडियो हटा दो तो फिर कमेंट कैसे करोगे। ये थोड़ा ऐसी बातें करता है तो इसको थोड़ा इग्नोर करो आप। हाँ कम लेट्स कम रेबस की तरह हमने कैमरा करा तो ये फोन के अंदर में घुस चुका है, और इसका नाम हमने क्या रखा है, तितली। तो भाई लो आ गया गरम गरम खाना, और ये कोई रेस्टोरेंट का नहीं है, ये हमारे घर का खाना है। ये नोनी की मम्मी ने बनाया था और ये मेरी मम्मी ने, और मैं सामने गरम करा लिया। इससे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई बजट ट्रैवल करना हो ना तो ये सब हैक्स होते हैं, कर लिया करो। अभी कुक वाले भैया को उन्होंने 50 रुपये दिए और अपना घर का सारा खाना गरम करा लिया, तो मैं खाना वाना खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ और मिलता हूँ आगे। और यहाँ पे सांस ज़्यादा चढ़ रही है क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, और ऊँचाई में आके हम डेलाइट्स को आदत नहीं ना इतना करने की। तो मैं खाना वाना खाता हूँ, मिलता हूँ आपसे। ऐसे हमारे यहाँ पे रात को सोने का प्रोग्राम है, और अभी टाइम जस्ट 7:30 हुआ है और ठंड हो चुकी है। गलत, -5 डिग्री चल रहा है गाइस, -5 डिग्री चल रहा है, और यहाँ पूरे हम जमे पड़े हैं। और एक हमारा दोस्त है बेचारा बेहोश हो गया, उसको भी हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया तो ये होश में आया है, जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी हम मैगी बनाएंगे और खाएंगे और सो जाएंगे, और कल सुबह मिलेंगे क्योंकि कल से होगी एक्चुअल ट्रिप की शुरुआत। सो गाइस टाइम हो रहे हैं 7:30 और हमारा जो कल का प्लान है वो है बजा कैसे, चलो वो अभी नहीं बताएंगे हमारा कल का प्लान क्या है, सीक्रेट कमिंग गाइस। कल होगा बेसिकली ट्रैकिंग, और अभी रात के अंदर बहुत 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 ज्यादा ठंड हो चुकी है, और हम चारों जो है बिल्कुल लपेटे पड़े हैं अभी, मतलब कंबल, और उसके अभी कम से कम यहाँ पे इस बेड के ऊपर 5 कंबल है, तो आप सब लोग इमेजिन कर सकते हो कितनी ठंड है। और इसने तो गले पे ही कंबल बांधा हुआ है, शो करो अक्षय ककड़। और ये AG1 कैमरा इसका। हेलो गाइस, मैं हूँ बॉबी भार्गवा, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका दोस्त, आपके दोस्त का होस्ट फॉर टुनाइट। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम BCom ऑनर्स
एंड जो मैं बना रहा हूँ ये डालने वाला नहीं है लेकिन ये मेमोरीज रहेंगी हमारी, और कभी मेरे को मौका मिला तो मैं इसके चैनल पे डाल दूंगा। ये इसके सब्सक्राइबर्स 27,000 से 1,000,000 हो जाएंगे। टूर कर रहे हैं हमारे दोनों दोस्त। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मन्नी के 1,000,000 एक महीने के अंदर हो जाए। महीना ज्यादा हो गया। मन्नी आ जाओ। थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस अब टाइम हो चुका है रात के 11:30 बजे और हमारे शेफ हर्षानी जी बनाने को हो रहे हैं मैगी या मैक्रोनी जो भी हम खाएंगे। नहीं नहीं मैक्रोनी सर, क्या बात कर रहे हो। क्या खाओगे भाई? टॉप रेमन बन रही है सर। तो भाई टॉप रेमन बनेगी और यहाँ पे स्टोव लगेगा। अभी हमारे यहाँ पे और हम बनाते हैं एंड देन आप लोगों को टेस्ट कराते हैं। मतलब टेस्ट तो नहीं करा सकते, जल्दी से बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो अभी आप देखो कैसे मैगी बनाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे जो हमारा गैस स्टोव है इसमें भी बर्फ जम चुकी है, तो आप सब लोग इमेजिन कर सकते हो भाई कितनी ज्यादा ठंड है। -5 डिग्री है और बहुत ठंड है यार। बहुत ठंड है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी ठंड नहीं देखी यार। और मजा आ रहा है, मतलब लिटरली बहुत मजा आ रहा है यार। तो एक बड़ी बस से चल जाए। और यहाँ पे हमने नॉर्मली कुछ भी नहीं करा यार, एक छोटा सा गैस स्टोव है हमारे पास, गैस कैन लगाया और हमारी आग चल चुकी है अब। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये और बनाएंगे मस्त मैगी। मैगी तो निकाल देना, टेंशन ना। एक तो लाइट भी इतनी कम है यार रूम में, एक ही बल्ब है भाई। क्या खाएंगे कैसे हम? अरे प्लेट है यार, इसी में खा लेंगे चम्मच। अबे है तो दो मिनट लगेंगे बाद बर्फ में छोड़ेंगे। सो गाइस फाइनली हमने स्टोव को चला लिया। एक्चुअल में जो स्टोव होता है उसके ऊपर एक छोटा सा लोहे का वो होता है, उससे क्या होता है बेस मिल जाता है, लेकिन वो सपोर्टर होता है, लेकिन वो अभी था नहीं। तो हमने देसी जुगाड़ का करा, 4 चम्मच लिया और इसको लगाया। तो ये लाइफ हैक्स है जो आप लोगों को हमारे साथ में ही मिलेंगे। और हमने इसके पानी चढ़ा दिया और पानी मस्त बॉईल हो रहा है अब। सो गाइस फाइनली ये हमारा डे 2 का लास्ट सीन और हम अब सोने चले क्योंकि हमारी क्या है भाई, टॉप रेमन बन के तैयार हो चुकी है। और जब खाएंगे एंड हम सोएंगे क्योंकि कल सुबह हमने 8-9 बजे करीब निकल जाना है और कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं, आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। और ये जो हमारी बचपन की दोस्ती है ना, ये तो इससे 10 गुना ज़्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली यू नो। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इम्पॉर्टेंट भाई, मलाना आ रहे हो, टच मत करना किसी चीज़ को। एंड ऊपर आके जो लोग हैं इनकी बातों में मत आना, कई लोग आपको ऊपर ले जाएंगे बिल्कुल, और वहाँ पे आके बोलेंगे आपने नई रूम लेना तो मत लो, जैसा हमारे साथ हुआ। एंड ऑब्वियसली हम ऊपर हैं, हम रिग्रेट नहीं करें क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग और ब्रेथ टेकिंग कह सकते हो आप।